हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है संघ की न्यायपालिका, यानी अनुच्छेद 124 से 147, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है संघ की न्यायपालिका, जिसमें अभी तक केवल अनुच्छेद 136 तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए इनको समझ लेते हैं, ये हैं क्या। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 में, तो अनुच्छेद 124 में ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी अनुच्छेद 124 में जो हमारा उच्चतम न्यायालय होती है उसकी स्थापना और उसके गठन के बारे में जानकारी दी गई है, बताया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि अनुच्छेद 125 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 125 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 125 में बताया गया जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें अनुच्छेद 125 में, क्या, न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, यानी न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 125 में बताया गया है। अनुच्छेद 126 की बात कर लेते हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी अनुच्छेद अगर 126 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होती है। भाई जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है उसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 126 के तहत होती है, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ठीक है, अगर तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की बात करें तो वो 127 में बताया गया है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 128 में क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, मतलब क्या होता है, 128 में, अनुच्छेद 128 में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में जो हमारे न्यायाधीश जो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 129 की बात कर लेते हैं, तो उच्चतम न्यायालय की का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो अनुच्छेद 129 में क्या बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का होना। ठीक है, आगे चले आते हैं कि अनुच्छेद 130 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 130 में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पर होगा उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 का में ये निरसित है। ठीक है, और अनुच्छेद 132 की बात करते हैं, तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, तो ये 132 में बताया गया है। अनुच्छेद 134 का में क्या बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय में अगर हमें अपील प्रमाण पत्र, मतलब अपील करना है, तो अपील के लिए प्रमाण पत्र ये अनुच्छेद 124 का में बताया गया है। अनुच्छेद 136 में क्या बताया गया है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। जैसे हम उच्चतम न्यायालय में अगर कोई अपील करने जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय की हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, एक विशेष इजाज़त लेने के बाद ही हम अपील को अपील कर सकते हैं किसी भी केस की। ठीक है, तो इसको बताया गया अनुच्छेद 136 में इसके लिए। और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारे जितने भी एसएससी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हमने अब अनुच्छेद 24 से 36 तक पढ़ लिया, 136 तक, और आगे और पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला अनुच्छेद 124, 25, 126, 127, 128, 129, 130, और इन सब चीज़ इन अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या क्या क्या चीज़ें बताई गई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए।